हेलो गाइज वेलकम बैक टू दी चैनल कैसे हैं आप लोग आई होप यू एज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन आज हम बात करेंगे मार्केट की मार्केट इतना नीचे क्यों जा रहा है क्या उसके पीछे रीजंस हैं क्या मार्केट ऊपर आ सकता है नहीं आ सकता क्या सारी चीज़ें हैं एंड एज एन इन्वेस्टर आपने क्या करना चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहते हैं कि कोई भी आदमी आके आपके कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करता है कि ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है तो प्लीज़ उनसे बात मत करिएगा वो सारे के सारे स्कैमर्स हैं हम कभी भी आपसे कभी भी पैसा नहीं मांगते ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा टेलीग्राम में भी हम कहीं अवेलेबल नहीं है वी जस्ट हैव वन टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है इफ यू वांट वॉन्ट यून जॉइन क्रिप्टो मार्केट लास्ट दो दिन में बहुत ही ज्यादा नेगेटिव में गई है काफी इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो आज की डेट में सोच रहे हैं सीरियसली सोच रहे हैं कि अपना पोर्टफोलियो जो है वो सारा जीरो कर दें उसी टाइम में काफी ऐसे इन्वेस्टर्स हैं इन क्रिप्टो करेंसी या जो नए लोग आ रहे हैं इन क्रिप्टो करेंसी वो कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि हम कोई छोटे मोटे क्रिप्टोज आज के डेट में परचेज करके रख के छोड़ देते हैं अब जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ आज की डेट में क्या प्रॉब्लम है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं आई एम श्योर आपसे बहुत सारे लोग ही अग्री करेंगे कि जब हमने क्रिप्टोज तो परचेज कर लिए थे बट वो क्रिप्टोज की वैल्यू आज की डेट में इतनी होगी ये हमारे पास काफ़ी कमेंट्स आए कि वो फिफ्टी परसेंट रह गया हमारा पोर्टफोलियो अब क्या करें उसमें अब और कैसे पैसे उसमें इकट्ठा करें हमने जितने फंड डालने थे डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग जिसमें हम बताते रहते हैं आपका पहला बाइंग लेवल उसके बाद सेकंड बाइंग लेवल उसके बाद थर्ड बाइंग लेवल हमेशा नीचे होना चाहिए एंड तीन बार आप परचेज करो उससे ज़्यादा परचेज करने की जरूरत नहीं है हमारे वो तीनों लेवल क्रॉस हो चुके हैं हमने पहले एक लेवल में परचेस करा था फिर दूसरे लेवल में परचेस करा था अब थर्ड लेवल में भी परचेस कर चुके हैं बट अभी भी जो है वो मार्केट नीचे की तरफ जा रही है वी टोटली अंडरस्टैंड कि एज अ रिटेल इन्वेस्टर एज अ इंडिविजुअल पर्सन आप लोगों के पास थोड़ा फंड्स का ऐसा रहता है कि आप बार बार जो है फंड्स नहीं डाल सकते वी हैव डन डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग जितनी हमने करनी थी वो हम ऑलरेडी करके बैठे हुए हैं मोस्ट ऑफ आर टोकन मोस्ट ऑफ आर क्रिप्टोज आज के डेट में हमारा जो बाइंग लेवल था वो भी काफी कम हो गया है उसी के साथ साथ जो क्रिप्टो का प्राइस था वो भी काफी कम हो गया ये हम सब लोग जानते हैं बट आगे जाके सर हमने क्या करना चाहिए ये बहुत सारे क्वेश्चन आए इन सबके बारे में आपको आंसर करेंगे पहले चलते हैं क्विंजी को आप में थोड़ा देख लेते हैं मार्केट के बारे में मार्केट क्या कर रही है ऑल सारे रेड है बट स्टिल थोड़ा मार्केट को देख लेते हैं एंड उसके बाद आपको बताएंगे कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए गोइंग फर्दर तो साइड में आप देख सकते हो हमने ओपन कर दिया है जी को ऐप BTC is down 5.4%, ETH is down 9.9%, जो टोटल ग्लोबल मार्केट कैप है वो डाउन है 10.7%. पॉइंट सेवन दो लाख के नीचे आ चुका है बी जो है वो ट्वेंटी एट लाख से भी नीचे आ चुका है हमने आपको बताया था बी हमें डम देखने को मिलता है वो दिखता है टिल ट्वेंटी एट लाख बट वो लेवल भी इसने क्रॉस कर दिया कारंटली इट इज़ एट ट्वेंटी सिक्स लाख कल हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया था कि लोग ये बोल रहे हैं कि बी टी सी माइट कम डाउन टू थर्टी थाउजेंड डॉलर्स थर्टी थाउजेंड डॉलर बोले तो अराउंड ट्वेंटी वन लाख के आसपास है एंड वो लेवल अप्रोच होता हुआ नजर आता है हमें हमें वो लेवल दिखाई दे रहा है आज के डेट में वो रियलिस्टिक लेवल हो चुका है फॉर बिटकॉइन अगर वो रियलिस्टिक लेवल होता है तो हमें यहाँ से काफ़ी अच्छा खासा और डम देखने को मिल सकता है अब क्रिप्टो मार्केट में होता क्या है जो नेगेटिव सेंटिमेंट्स होते हैं वो बहुत जल्दी बढ़ते हैं ये सारी जगह होता है जहां पे भी आपने इन्वेस्ट करा होता है उसमें एक बैड न्यूज एंड आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो खत्म आप सोचते हो बस आज की बाद इसमें कभी इन्वेस्ट नहीं करना है एंड ऐसे बहुत सारे लोगों का रहता है अगर आप यहाँ पे कोई भी क्रिप्टो आज की रेट में उठा लो सोलाना फॉर एग्जांपल जो इतना अच्छा कर रहा था दैट कोई भी आप आज की रेट में क्रिप्टो उठा लो कोई भी ऐसा क्रिप्टो नहीं है जो आपको पॉजिटिव में नजर आ रहा है एंड पीपल आर लोग डरे हुए अगर आप न्यूज़ भी पढ़ोगे तो यहाँ पे काफ़ी ऐसी न्यूज आती है जो आपको बोलती है कि यस दिस इज द टाइम टू गेट एग्जिट फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी द यूनियन बैंक ऑफ फ़िलिपींस प्लान टू ऑफर क्रिप्टो ट्रेडिंग एंड कस्टोडियल सर्विसेज ये एक अच्छी न्यूज आई है बट इसके अलावा रशियन बैंक टेस्टिंग डिजिटल रूबल पेमेंट यहाँ पे बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आती है स्पेशली जब आप नेगेटिव में चल रहे होते हो जिसको देख के आपको ये लगता है कि बस खत्म क्रिप्टो मार्केट खत्म होगी बट हम सब लोग ये जानते हैं कि क्रिप्टो मार्केट खत्म नहीं हुई है बी टी सी ज़ीरो में आ जाएगा जिसके चांसेस बहुत ही कम है बिल्कुल भी नहीं है इनफैक्ट बी टी सी वन लाख डॉलर में चला जाएगा इसमें का चांसेस ज़्यादा हैं आप लोग जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है आप लोग अपने दिमाग से सोचो जब आपने इन्वेस्ट करा था आपको ये रियलाइज था कि मार्केट जो है नीचे की तरफ आएगी ऑब्वियसली सबके दिमाग में ये रहता है कि मार्केट ऊपर जा सकती है तो ये नीचे भी जा सकता है नीचे का आपने लेवल भी सोच रखा हुआ कि ये कहाँ तक आ सकता है बट आज की डेट में वो सारे लेवल क्रॉस हो चुके हैं एंड पीपल आर वरिड कि क्या होगा आगे जाके आप यहाँ पे एक और न्यूज़ पढ़ सकते हो इंडियंस मेंटेन अ कॉशियस आउटलुक एज क्रिप्टो मार्केट्स विटनेस ब्लड बाथ एंड ये ब्लड बाथ ही हो रहा है क्रिप्टो करेंसी में आज के डेट में सारे जहाँ पे नेगेटिव में चल रहे हैं पीपल आर वर कि क्या करना चाहिए अब इस टाइम में आप लोगों ने क्या करना चाहिए द अप्रोच शुड बी वेरी सिंपल द अप्रोच शुड भी जब आपने क्या पास फंड्स ख़त्म हो गए टू इन्वेस्ट इन मोर इन क्रिप्टो करेंसीज एंड मैं ये कभी भी नहीं बोलूंगा कि आप पूरी ज़िंदगी जो है उसमें फंड्स और एक्यूमलेट करते रहो एक टाइम आता है सबका जब वो बोलता है कि बस आप तो मैंने जितने फ़ंड्स डालने थे वो डाल चुके हैं हम भी आज या कल में अपना लास्ट जो फंड्स हैं जो हमने क्रिप्टोज में डालने हैं वो डाल रहे हैं उसके बाद हम क्या करेंगे हमने उनको स्टेक करके रख रखे जो हमारा टाइम टारगेट एंड प्राइस टारगेट है हम खाली वहाँ पर कर रहे अगर आपने पहले से अपना टाइम टारगेट एंड प्राइस टारगेट डिसाइड कर रखा है तो आपको ये ब्लड बात देख के आपको डर नहीं लगना चाहिए राधर यू शुड बी हैप्पी कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी शायद आपको मिली है अगर आपके पास फंड्स बचे हुए अगर आपके पास फंड्स नहीं बचे हुए स्टिल आप वो बुक खोलो जहाँ पे हम आपको बताते थे कि आपका टाइम टारगेट क्या है वो मैंशन करके रखो वो टाइम टारगेट तक आप अपने क्रिप्टोज भूल जाओ दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू मैं भी यही करता हूँ काफ़ी लोग ऐसा करते हैं ये अप्रोच जो होती है वो बेस्ट अप्रोच होती है क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाती है हम कहीं ना कहीं एक्साइटेड हो जाते हैं वहाँ पे भी हम हाँ नर्वस होते हैं कि यार ये ऊपर तो चलेगी या नीचे आ जाएगी यहाँ पे बेच देते हैं नेगेटिव जब जारी होती है तो हमें ऐसा लगता है कि बस ये तो ज़ीरो ही टच करके मानेगा एंड जीरो हो गए तो हमने इतने पैसे डाले थे तो वो ज़ीरो हो गए कल मेरी एक दोस्त से बात हुई थी वो ये बोल रहा था कि मैंने शिबा परचेज़ करे थे एंड सिक्सटीन हंड्रेड रुपीज़ के शबा परचेज़ करे थे उसकी जो वैल्यू है आज की डेट में छः सौ रुपये रह गई है मैं क्या करूं मेरा दो ही ऑप्शन है बहुत सिंपली दो ऑप्शन है या तो आप लॉस इनकर कर लो हजार रुपए का लॉस या आप उसको होल्ड करो आपने टाइम टारगेट क्या सेट कर रखा था ना आपने प्राइस टारगेट क्या सेट कर रखा था पहले मुझे वो बताओ उसने बोला मेरा दस पैसे का जो है प्राइस टारगेट था एंड मैं सोच रहा था कि 2025-26 तक शायद ये दस पैसे का हो जाए बट जो इसके हालात चल रहे मुझे लगता नहीं कि ये दस पैसे का होगा टिल ट्वेंटी फाइव मेरा बहुत सिंपल आंसर था उस दोस्त को मैंने उससे ये बोला कि लास्ट चार छः महीने में आपने नेगेटिव चीज़ देखी है आपने देखा है मार्केट नीचे जा रही है वो आपने माइंड में आपने डाल के आपने ये डिसाइड कर लिया कि ये बस इसका लास्ट है ये अब नीचे ही जाएगा बट जहाँ पे मार्केट ऊपर जा रही थी इन दी मंथ ऑफ अक्टूबर वहाँ पे भी कहीं ना कहीं आप नर्वस थे वहां पे भी आप ये सोच रहे थे कि बस अब ये नीचे जाएगा अब ये नीचे जाएगा बट उसी के साथ साथ मैंने उसको ये भी बोला कि आपने जब अपना प्राइस टारगेट एंड टाइम टारगेट ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है तो उससे पहले आप देख के हो रहे हो क्या प्राइस चल रहा है डेवलपमेंट्स हो रही है शिपा में उसने बोला हाँ मैला उसमें कुछ ऐसी चीज हो रही है जो कि खाली नेगेटिव न्यूज है ओनली अबाउट शिपा उसने बोला नहीं मैला तो अगर सारी चीजें आपकी आंसर इज नो तो आर यू इवन थिंकिंग आप लॉस इनकर करोगे अब मैंने आपसे पहले ही बोला था उतने पैसे डालो इन क्रिप्टो करेंसी जितने की वो जीरो हो जाए तो आपकी लाइफ में कोई भी चेंज ना हो अगर आपने उतने ही पैसे डाल रखे हैं आज की डेट में भी तो दिस इज फॉर श्योर कि आपको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा यस फर्क ये पड़ रहा होगा कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट देख रहे होगे यस फर्क ये पड़ रहा होगा कि कई आपने सपने देखे होंगे कि मैं 2022 की स्टार्टिंग में करोड़पति अरबपति हो जाऊंगा वो टूट गया होगा सपना बट इतना शॉर्ट टाइम टारगेट लेना भी कहीं ना कहीं गलत था हमने जो भी क्रिप्टोज परचेज करें उसमें जो टाइम टारगेट है वो काफ़ी लंबा ले रखा है अगर आप प्राइस ऊपर की तरफ लेते हो तो टाइम टारगेट शुड बी लॉन्ग ये हम आपसे पहले भी बोलते आ रहे हैं एंड दिस इज दी टाइम जो आप आगे जाके जब आप वापस देखोगे यू विल थिंक अबाउट इट अगर आपने आज की डेट में लॉस में अपने क्रिप्टोज बेचे तो यू विल रिगरेटेड बहुत सारे लोग रिग्रेट करेंगे क्योंकि आज की डेट में नवो सेलिंग हो रही है मार्केट में देर इज नो डिनाइंग द फैक्ट कि लोग बेच रहे हैं क्रिप्टोज बट उसी के साथ काफ़ी ऐसे लोग हैं काफ़ी ऐसे यू नो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो परचेज करने में लगी हुई हैं एल्स एल्वर्डोर जिसके बारे में हम सब लोग जानते हैं उन्होंने बी टी सी परचेज करें अभी काफ़ी उसी के साथ हम लोगों ने भी काफ़ी क्रिप्टोज परचेज करें दिस इज़ द टाइम फॉर एक्यूमुलेशन अगर आप नर्वस हो अभी भी आपको नींद नहीं आ रही है रात को तो आई वुड से कि आप यही लॉस ले लो नींद ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप चैन से सो सकते हो आराम से सो रहे हो कोई आपकी लाइफ में ऐसी टेंशन नहीं है मॉनेटरी टेंशन नहीं है एंड क्रिप्टोज आपके लॉस में चल रहे हैं तो उसको अभी रहने दो दैट इज़ द बेस्ट एडवाइस आई कैन गिव टू यू वो आगे जाके इंक्रीज़ होगा कितने लोग आप में से ये सोचते हैं कि बी वापस ऊपर आएगा एंड इट विल टच वन लाख डॉलर्स बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मी माई सेल्फ आई ऑल्सो थिंक कि बी टी लाख डॉलर बहुत ईजिली टच कर सकता है एक पंप एक बुल रन अच्छा खासा एंड बी अपना टारगेट अचीव कर लेगा बट वो बुल रन से पहले अगर मार्केट नीचे आ रही है तो आपने होल्ड करना है ऐसा नहीं हो सकता मैं आपको कई वीडियो में बोलता हूँ कि आपका क्रिप्टो जो है वो ऊपर की तरफ ही भागता रहे अगर वो होगा तो कहीं ना कहीं आपके क्रिप्टो में गड़बड़ है रग पोलिंग एक चीज होती है जिसके बारे में हम सब लोग जानते हैं पहले भी डिस्कशन हो चुका है उसके बारे में वो चीज़ नहीं हो रही है आपके क्रिप्टो में आपके टोकन में ये बहुत अच्छी चीज़ है नेगेटिव होना आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़ है मार्केट देख के इतनी नेगेटिविटी जो फैल रही है बहुत ही सिंपल है कि नेगेटिव होना कम्प्लीटली नेगेटिव होना टूवर्ड्स क्रिप्टो करेंसी बट उसी टाइम में पॉजिटिव रहना इज समथिंग जो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट दे सकता है आगे जाके मैं कोई भी क्रिप्टो कोई भी टोकन आज की डेट में सेल नहीं कर रहा हूँ आई एम नॉट सेलिंग इवन वन रुपी का क्रिप्टो वन रुपी का टोकन मैंने जो क्रिप्टोज लिए थे काफ़ी ऐसे टोकन्स हैं जो मेरे बाइंग लेवल के अब नीचे आ चुके हैं आज की डेट में बट मैं उनको फिर भी होल्ड करके बैठा हूँ बिकॉज आई नो कि जब भी बुल रहना आएगा वो उतना ही प्रॉफिट मुझे और ला के देंगे मैंने आज ही कुछ ट्रांसफर करें कुछ फ़ंड्स एंड दिस इज द लास्ट सेट ऑफ फंड्स जो मैं क्रिप्टोज में डाल रहा हूँ इसके बाद मैं और फंड्स नहीं डालूंगा इन क्रिप्टो ऑल आई डू इज होल्ड ऑन टू देम ऑल आई डू इज़ टेक देम उनमें से पैसे लूँगा स्टेकिंग से पैसे निकालूंगा आई होल्ड ऑन टू द क्रिप्टो करेंसीज दैट इज द बेस्ट अप्रोच आप लोग क्या करोगे आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता सकते हो विद दैस एडवाइस आज का वीडियो करते हैं पे एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा हो। लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग नेक्स्ट टाइम ओके बाय